हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मिस्टर एक्स पे। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो कि नीचे लाल कलर का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबाएं तो वो काला हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे बर्ड फीडर, यानी कि पक्षियों को दाना कैसे दिया जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, हम बर्ड फीडर क्यों बनाना चाहते हैं, इसके लिए एक रीज़न है। मैं आपको रीज़न बताऊंगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी वो काम करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों, जब भी हम अपने आसपास सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स को देखते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, जो हमारे मन में टेंशन रहती है वो दूर हो जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉड ने हमें एक खास कनेक्शन के साथ बनाया है, जो कि वो कनेक्शन है नेचर के साथ। कनेक्शन नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं तो हमारा दिल खुश रहता है। इसलिए कुछ लोग आउटिंग में जाते हैं, टूर पे जाते हैं, नेचर के करीब जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, है ना। और जब भी हम नेचर से जुड़े हुए किसी भी प्राणी को देखते हैं या पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं जंगल में, तो हमारे अंदर एक खुशी का संचार होता है। हम खुश हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये भगवान का जो बनाया हुआ कनेक्शन है, जो हमारा नेचर से कनेक्शन जो है, वो टूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जंगल तो बचे नहीं हैं। अब जो पक्षी हैं, पक्षियों को खाना मिल नहीं पा रहा है और वो मरते जा रहे हैं, दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें दाना कैसे मिलेगा? जो हमारे आसपास से सुंदर सुंदर पक्षी जो है वो गायब होते जा रहे हैं, हमें कम दिखाई देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले कितने सारे पक्षी आपके छत पे, आपके आंगन में आ करके चहचहाते थे, आपको अच्छा लगता था, सुबह सुबह मन खुश हो जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज बहुत ही कम मात्रा में पक्षी हमको देखने को मिलते हैं। और अगर आप भी इन पक्षियों को बचाना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए और आप भी एक पक्षियों को दाना देने के लिए सुंदर सा बर्ड फीडर अपने घर पे लगा सकते हैं। उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, घर पे पड़े हुए ही स्क्रैप मटेरियल से आप पक्षियों को दाना देने के लिए बर्ड फीडर आप बना सकते हैं, जिसे आप अपने छत पे, आप आंगन पे या बालकनी पे आप लगा सकते हैं, लटका सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये बर्ड फीडर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप भी घर पे बनाइए और अपने छत पे, बालकनी पे, कहीं पर भी आप इसको लगा कर पक्षियों को दाना देने का एक असीम सुख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों से ये काम जरूर करवाएं ताकि उनको भी अगली पीढ़ी के लिए ये सबक मिल सके कि पक्षियों और जानवरों से प्रेम करना कितना आनंददायी हो सकता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसको हम चलते हैं, छत पे रखते हैं और पक्षियों को दाना देते हैं। ठीक है,